हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज फरिया फातिमा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरियाज वर्ल्ड। हमारा जो आज का कंटेंट है वो है मुर्गियां। कौन सी वाली मुर्गियां? कोई नई मुर्गियां हैं नई मुर्गियां जो दादा लेके आए थे ना, वो बहुत हमने खोल दी वो मुर्गियां। वो इतनी ज्यादा लड़ाई कर रही हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। और देखिए ये हैं वो वाली मुर्गियां, और आप देखिए कौन लाया था ये? ब्यूटीफुल है ना, दादा लाए थे। किसके लिए? अंडों के लिए। क्या किसके लिए लाए थे? अंडों के लिए लाए थे ना ये? अंडों के लिए? हां अंडों के नहीं लाए थे। हाँ ये वाली तो अंडों के नहीं लाए थे। हाँ पांच है इसमें, एक मुर्गा है और एक चार मुर्गियां हैं। चार नहीं तीन ही मुर्गियां हैं, यानी कि पांच लाए थे पापा। और ना पांच एक मुर्गा है इसमें से, तो क्योंकि हमारी जो एक ब्लैक वाली थी ना वो बच गई थी, शायद आपको पता होगा उन्हीं के केज में, तो वो वहाँ नहीं रखी हुई है। अब आप बोले कहाँ लेके आऊँगा मैं, तो वो साइड पर है और ये जहाँ साइड पर हम जा। हमारे बड़ी इतने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह, नीचे आके दाना खा रहे हैं। तो मेरे पास आ गई एकदम से, ये लोग तो फ्लाइंग करती हैं जैसे है ना। इसमें शायद मुर्गा उधर चला गया, नहीं ये रहा मुर्गा, ये तो गोल्डन वाला है ना, ये मुर्गा है ना भाई, गोल्डन वाला मुर्गा है ना, ये गोल्डन वाला मुर्गा है, मैं सही पहचान रही हूँ यार। अब हमारे सब खेजों में एक ही जैसी लाइट लग गई ना, तो बहुत क्यूट लग रहा है। हाँ सब में एक जैसी लाइट लग गई ना तो बहुत क्यूट, वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा जो हमारे केजों में लाइट लगने से रौनक आ गई है, और ये देखें कि ये कैसे बजीज हमारे मिलके खाना खा रहे हैं, सब एक साथ, सब एक साथ खाना खा रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं ये। और ये केज भी बहुत बड़ा है तो ये इसमें फुल मज़े से घूम रहे हैं। अच्छा फरिया जो है ना वो अभी तक जो है ना मुर्गों से और चूजों से डरती है, जैसे वो इसके करीब आता है तो ये एकदम जो है ना डरती है। अच्छा और ये जो मुर्गियां हैं ना, ये वाली तीनों, और ये जो एक अंदर है ये वाली, ये फरिया के दादा लेकर आए थे हमारे अब्बू, जब हम जो हैं ये चार मुर्गियां लेकर आ गए। और ये पांचवी वाली जो है ना, ये वाली तो एस्ट्रोलॉप है, ये तो हमारी पुरानी है। मैंने सोचा था कि मैं इसका एक पेयर ले आऊँगा तो हमारे पास दो मुर्गियाँ और एक मुर्गा हो जाएगा, मगर दादा ने जब मैं लेकर आया ना ये वाली लेमन ब्राउन, उन्होंने बोला ये क्या अंडे देंगी, ये तो ऐसे ही हैं और ये इसके अंडे सही नहीं होते, मैं लेकर आता हूँ मुर्गियाँ। तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो एक दिन उन्होंने हमें सरप्राइज़ दिया और ये चार मुर्गियाँ लेकर आ गए, तीन तो ये नहीं दो वहाँ पे चली गई। और उन्होंने बोला ये अब जो ना अंडे देने वाली है, जब मैंने देखी तो मैंने बोला ये तो बहुत छोटी हैं, बुझी है तो बच्चे लग रहे हैं मुझे, और वाकई में ये पाँच महीने के छः महीने के बच्चे हैं, इनको दो तीन महीने लगेंगे कम अज़ कम। और उनको जो है ना ये बोल के दे दिया कि ये तैयार है, बस ये अंडे देने वाली है। तो खैर वो ले आए तो अब चलो, है तो छोटी तो है मगर हैं तो ना, तो अब इस तरीके से मैंने क्या करा कि एस्ट्रोलॉक को इनके साथ कर दिया, और ये तीन के साथ मुर्गियाँ थी, तीन एक मुर्गा था ये वाला, ये मुर्गा है हमारा, और तीन मुर्गियाँ थी। तो अब क्या हुआ कि जो ना मैंने अपनी एस्ट्रोलॉक जो थी उसको भी इसके साथ ही कर दिया। एस्ट्रोलॉक देखें आप कितनी शाइनिंग वाली है हमारे पास, और बहुत अच्छी चीज़ है ये। खैर दादा ने बोला ये अंडे तो नहीं दे रही, ये तो बेकार है। तो खैर हमने फिर उस बोला ठीक है, फिर इसको जो है ना हमने इन्हीं के साथ कर दिया, और इस तरीके से इनकी तादाद हो गई पांच। अब ये एक ही केज में है पांचों, और इनकी उम्र भी तकरीबन 19-20 ही है सब, ये पांच छः महीने की है। तो फरिया जो है ना वो अभी भी इनसे डरती है, और हमारी जो हमें खाना मिल गया, चलें दादा लेकर आ गए फरिया के, तो क्या हुआ अब हमें इस तरीके से खाना जो हमारा भरी है ना, क्योंकि हमारे पास दो खाने खाली हो गए थे। हाँ तो दो खाने हमारे पास खाली हो गए थे ना, तो खैर अभी खाना भी भर गया हमारा, और इसमें से भी कुछ अभी जो ये मौसम हुआ ना ख़राब,
तो उसमें ऐसा हुआ कि एक दो मुर्गियाँ इसमें से भी ना वो ना सुस्त होने लगी, और भी कुछ हमारी मुर्गियाँ ना सुस्त होने लगी। तो अभी हम इनको दवाएं वगैरह दे रहे हैं, अभी भी आप देखें ये इनको हम सिरप पिला रहे हैं। तो ये सिरप है पानी में मिला हुआ। क्या दो दो गोल्डन उनकी तो टांगे वाइट है लेकिन सबकी ब्लैक है। हाँ ये असल में ना मिस्री मुर्गियाँ कहलाती है। क्या मिस्री मुर्गी कहलाती है? मिस्री मुर्गी होती है, रोज अंडे देती है। तो अभी तो सर ये छोटी है, जनवरी तक में दे देंगे ये अंडे। जनवरी में इनके अंडे आ जाएंगे, एंड में जनवरी के तक आ जाएंगे। नहीं नहीं जनवरी के एंड में या फरवरी के शुरू में, तब तक ये और बड़ी हो जाएंगी। और जब तक हमारे गोल्डन पप भी बड़े हो जाएंगे। लेमन तो हमारी इंशाल्लाह 10 दिन में देखो इस हफ्ते में दे देगी अंडे। और बजीज देखें आप सारे एक साथ खाना खा रहे हैं, उसके पास जाना। और कबूतर भी अच्छे हमारे सेट हो गए यहाँ पे अब केज में। अब वो तरपाल की जो हमने तरतीब बनाई है, तो तरपाल तो हमने ला के रख दी है। ये रही कहाँ है तरपाल? तरपाल वो रही पीछे रखी हुई। ये क्या रखा हुआ है पीछे? ये रखी हुई है तरपाल, ला के लगा दी है। अब ये लगानी है, तो लगाने वाले के लिए जो है ना हमने बुलाया है, हमारे हैं जानने वाले, वो लगा देंगे इसको, सी देंगे इसके ऊपर जाली के ऊपर ना। तो फिर क्या होगा, ये हवा और ये पानी जो आ रहा था ना बारिश का, जैसे ये सिया है, ये भी उन्होंने ही तो सिया है। इस तरीके से ये बनाया ना, इस तरीके से इंशाल्लाह वो इन केजेस में भी लगा देंगे, तो क्या होगा अच्छा लगेगा फिर। क्या देखूँ हाँ जाएगी जाएगी। और हमें आज फिंचे भी लानी थी ना, हम ला नहीं सके क्योंकि वो काम जाएगी नहीं वो। हाँ काम में मैं थोड़ा मसरूफ था। तो अब जो ना फिंचेस का हमारा प्रोग्राम कल पे चला गया, हम कल लेकर आएंगे इंशाल्लाह। आज लेके आएंगे, आज लेके आएंगे। बात तो सही है। चलो अगर जब देखेंगे, अगर आज टाइम मिलेगा तो आज ले आएंगे, वरना फिर कल तो पक्का ले आएंगे इंशाल्लाह। और कल ही जो ना हमारा ये तरपाल भी लग जाएगी, और ये केज हमारा एक दिन में लग जाएगी ये तरपाल। अरे 3 घंटे में लग जाएगी, जब वो आएंगे ना 3 घंटे में लगा देंगे कल इंशाल्लाह। कब आएंगे? कल 12 बजे तक आ जाएंगे, तो ये जो लगा देंगे यहाँ पर, हम इनकी वीडियो बनाएंगे। ठीक है ओके। तो जो है फिर ब्लॉग तक था ख़त्म, और रखे अपने अगले ब्लॉग तक, नहीं भी जा रहा तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।